इस तरह के बेल ऑर्डर का कोई स्टे का कोई कारण नहीं बनता है। जब भी कभी निचली कोर्ट से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से कोई बेल होती है तो बेल ऐसे स्टे करना या रिजेक्ट करने का कोई कारण होता नहीं है। केवल दो तरह की परिस्थिति में बेल कैंसिल हो सकती है। एक, जमानत देने के बाद कोई बेल की जो शर्तें की रखी गई हैं उसको कोई वायलेट करे, और दूसरा होता है कि वो फिर से कोई क्राइम करे या टेम्परिंग विद द प्रोसिक्यूशन विटनेसेस करे, तब केवल बेल कैंसिल हो सकती है। और जिस तरीके से बेल को स्टे किया गया, मुझे पूरी तरीके से ये कानून के खिलाफ नजर आता है। और केंद्र सरकार इस हद तक क्यों डरी है दिल्ली के मुख्यमंत्री से, कि केंद्र की सरकार इतनी क्यों डरी हुई है कि कोर्ट से बेल देने के बाद भी बेल कैंसिल कराने के लिए हाई कोर्ट तुरंत पहुंच गए? देखिए, मेरा तो धीरे धीरे कानून से नहीं लेकिन कानून को लागू करवाने वालों से भरोसा उठने लगा। इस तरह के बेल ऑर्डर का कोई स्टे का कोई कारण नहीं बनता है। जब भी कभी निचली कोर्ट से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से कोई बेल होती है तो बेल ऐसे स्टे करना या रिजेक्ट करने का कोई कारण होता नहीं है। केवल दो तरह की परिस्थिति में बेल कैंसिल हो सकती है। एक, जमानत देने के बाद कोई बेल की जो शर्तें की रखी गई हैं उसको कोई वायलेट करे, और दूसरा होता है कि वो फिर से कोई क्राइम करे या टेम्परिंग विद द प्रोसिक्यूशन विटनेसेस करे, तब केवल बेल कैंसिल हो सकती है। और जिस तरीके से बेल को स्टे किया गया, मुझे पूरी तरीके से ये कानून के खिलाफ नजर आता है। और केंद्र सरकार इस हद तक क्यों डरी है दिल्ली के मुख्यमंत्री से, कि केंद्र की सरकार इतनी क्यों डरी हुई है कि कोर्ट से बेल देने के बाद भी बेल कैंसिल कराने के लिए हाई कोर्ट तुरंत पहुंच गए? देखिए, मेरा तो धीरे धीरे कानून से नहीं लेकिन कानून को लागू करवाने वालों से भरोसा उठने लगा। इस तरह के बेल ऑर्डर का कोई स्टे का कोई कारण नहीं बनता है। जब भी कभी निचली कोर्ट से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से कोई बेल होती है तो बेल ऐसे स्टे करना या रिजेक्ट करने का कोई कारण होता नहीं है। केवल दो तरह की परिस्थिति में बेल कैंसिल हो सकती है। एक, जमानत देने के बाद कोई बेल की जो शर्तें की रखी गई हैं उसको कोई वायलेट करे, और दूसरा होता है कि वो फिर से कोई क्राइम करे या टेम्परिंग विद द प्रोसिक्यूशन विटनेसेस करे, तब केवल बेल कैंसिल हो सकती है। और जिस तरीके से बेल को स्टे किया गया, मुझे पूरी तरीके से ये कानून के खिलाफ नजर आता है। और केंद्र सरकार इस हद तक क्यों डरी है दिल्ली के मुख्यमंत्री से, कि केंद्र की सरकार इतनी क्यों डरी हुई है कि कोर्ट से बेल देने के बाद भी बेल कैंसिल कराने के लिए हाई कोर्ट तुरंत पहुंच गए? देखिए, मेरा तो धीरे धीरे कानून से नहीं लेकिन कानून को लागू करवाने वालों से भरोसा उठने लगा। देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा टीवी, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सएप चैनल पर।